एक मिनट बस। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। इधर देखो, भाई आपके पास भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो इसमें वो फोटोन एमिट कर रहा है, तो जो लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है उसके हिसाब से आपके पास सीरीज बन रही है। लाइमन है, बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, वैसे वैसे वो सीरीज बन रही है बस। और ये बताती है कि भाई ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, उसके हिसाब से होता है। भाई लाइमन ने लाइमन डिस्कस की, बामर ने अपने वाली सीरीज डिस्कस की। और ये ऐसा होगा, जब आप स्पेक्ट्रम बनाओगे ना, यदि आप पूरा स्पेक्ट्रम बनाओगे हाइड्रोजन का, यहाँ लैम्डा वन है और यहाँ लैम्डा मैक्स है, तो पहले ये लाइमन सीरीज आ जाएगी, फिर ये बामर सीरीज का एक रेंज आएगा, फिर पास्चन का आएगा, और फिर बाकी सारी सीरीज आएंगी। तो ये ऐसा होता है कि भाई पहले ये डिस्कवर हुई क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी की थी, फिर ये डिस्कवर में ये सबसे पहले ये डिस्कवर हुई क्योंकि ये विजिबल में थी, फिर यूवी डिस्कवर हुई, बस डिस्कवरी की बात है, वो डिस्कवरी के सबसे नाम ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट है। ठीक है सर, और किसी को कोई डाउट है? और सर वो जो बाकी सीरीज है, वो फंड वगैरह सब सबके सब इंफ्रारेड में है ना? हाँ, इंफ्रारेड इंफ्रारेड। ओके चलिए आगे बढ़े। कल मैं लास्ट क्लास में क्या करवाया सर? आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का लास्ट पार्ट बाकी है। या तू है ना ऐसे भाई, इतने खतरनाक बात मत बोल दिया कर, क्योंकि हर बैच के अंदर ना सीक्वेंस अलग होते हैं, तो लास्ट पार्ट में होता क्या है मुझे ये याद नहीं होता है। सर आपने वो अल्फा पार्टिकल का कैसे निकालते हैं वो लैम्डा बताया हमें डी ब्रोगली वेव। अच्छा, वो पॉइंट जीरो वन अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, वो वाला बताया। मैंने आपको यूजेस नहीं, मतलब मैंने आपको एक मिनट थोड़ा सा ये चल भाई। सर आपने सर वो रूट 150 वाला नहीं बताया आपने हमें, पहले फॉर्मूला बताया और फिर बाद में क्वेश्चंस किए बस। रूट 150 का क्या बताऊं, मतलब वो नहीं हुआ सर 150 अपॉन वोल्ट। अबे यार तेरे को क्या हो गया है मानस, तेरी तबीयत तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ सर? लेकिन बेटा 12.27 बाय रूट वी या रूट 150 बाय वी, बात तो एक ही है ना। मानस भाई, मानस, हाँ सर, बात तो एक ही है नहीं है? हाँ। तो क्या अपन ने ये डिस्कस किया? हाँ सर किया। तो ये भी डिस्कस ऑटोमेटिकली हो गया ना? हाँ सर। तो फिर बाकी क्या है? बाकी क्या है? बता रहा हूँ, तो बाकी तो बताना ही है, आगे समझिए। देखिए अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद सर, बोलो सर वो वी क्या है? पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्लीज समझिए। अगला मुद्दा, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये इक्वेशन आता कहाँ से, मतलब ये ऐसा क्यों आता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, ये रिलेशन कहाँ से आया ये समझते हैं। देखिए ये रिलेशन आया जब इन्होंने फोटोन के लिए स्टडी किया,
फोटोन के लिए स्टडी क्या हुआ कि एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, और तभी आइंस्टाइन ने ये भी दिया था कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन वॉज एम सी स्क्वायर, एनर्जी वॉज एम सी स्क्वायर। ये फोटोन के लिए या लाइट के लिए आइंस्टाइन ने दिया था। तो इन दोनों से ही उसने ये रिलेट किया कि भाई एम सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, सी से सी कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम सी, वेयर एम सी इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। नहीं सर, फोटोन का मास रहता है। नहीं एक सेकंड, पहले स्क्रीन फ्रीज है क्या? नहीं है सर, एकदम स्मूथ चल रही है सर एकदम। ठीक है, थैंक यू। हाँ अब बताओ, एक सेकंड फिर से, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब आपने मेरे से दो सवाल पूछे, क्या क्या थे वो? फोटोन को मोमेंटम रहता है क्या? हाँ रहता है। और सर फोटोन को मास, फोटोन का मास डिफाइन नहीं होता है, बेसिकली फोटोन का मास होता ही नहीं है, उसका रेस्ट मास जीरो है। पर थियोरेटिकली एमसी मस्ट बी मोमेंटम ऑफ फोटोन, भाई मास कितना है कितना नहीं है, मास अपन मेजर नहीं कर सकते तो क्या हो गया, पर अपन एमसी तो डिफाइन कर ही सकते हैं, समझा? सर एमसी कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से। देख समझ, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है, एमसी स्क्वायर किस चीज के लिए था? एमसी स्क्वायर था व्हेन होल ऑफ मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आइंस्टाइन ने ये बोला, ये रिलेशन दिया जिसको आप मास एनर्जी कंजर्वेशन, मास एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज करते हो, ठीक है? इस मास एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से अब फोटोन जो भी कुछ था, कोई एक चीज थी इसका मास होगा कुछ, और वो जब लाइट की स्पीड पे जाएगा तो ये वाली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वही फोटोन भी बन जाएगा, बस। तो उन्होंने इन दोनों को रिलेट करके इसको एमसी डिस्कस किया, जिसके अंदर वो एम को सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते, वो एम को सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते, ना सी को सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। वो कहेगा कि भाई मैं एमसी को एज ए होल डिस्कस कर सकता हूं, बस। बात समझे? सर नहीं, सर नहीं, फिर से बताओ सर। भाई समझो, तुम लोग, आप लोग अभी किस में हो ना, आप लोग क्लासिकल फिजिक्स वाले मोड में घुसे हुए हो, जिसमें आपको लगता है कि भाई मोमेंटम के लिए मास होना जरूरी है, ठीक है? आप ये मान रहे हो कि बॉडी में मास है तो ही उसमें सब कुछ होगा। आइंस्टाइन ने ये, मैंने तो दिया नहीं है पहली बात, हाँ, आइंस्टाइन बाबा ने ये बोला कि एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है। ये एनर्जी किसके लिए है? ये भी फोटोन के लिए है, और ये टर्म भी फोटोन के लिए ही है। ये किसने बोला? ये बोला प्लैंक्स ने, ये बोला आइंस्टाइन ने। डी ब्रॉगली ने इन दोनों चीजों को यूज किया। ये जो चीज है, ये है पार्टिकल नेचर के हिसाब से, कि कोई एक चीज, जो भी कोई फोटोन है वो एक पार्टिकल है। ये इस हिसाब से है कि जो भी कोई चीज है वो एक वेव है, फोटोन एक वेव का कंपोनेंट है। इन दोनों को जब उसने कहा कि भाई इवेंचुअली है तो फोटोन की एनर्जी, तो जब मैं फोटोन के लिए सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, कैंसिल, तो MC equals to H by lambda, and lambda equals to H by MC. Now this is MC, तो ये momentum of photon बोला जा सकता है, जिसके अंदर जो term define होगी वो MC define होगा, ना इधर M define होगा ना C define होगा, as a product MC define होगा, बस। उसने ये नहीं कहा कि photon का mass है, ऐसा उसने नहीं कहा, इतनी हिम्मत उसकी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना बोला कि MC है, जो उसने मोमेंटम ऑफ फोटोन डिस्कस कर दिया, और इसी चीज के बेसिस पे उसने कहा कि सिमिलरली
ये तो हुआ फोटोन के लिए, और सिमिलरली लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी अपन लोग हर पार्टिकल के लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी अपन हर पार्टिकल के लिख सकते हैं, बस अभी क्लियर है? सर इसके पीछे का रीजन नहीं समझा सर, एमसीयू आज के इन जो अपन पकड़ते पूरा एक साथ ही पकड़ते और ये क्यों अलग अलग नहीं पड़ते, उसके पीछे का रीजन नहीं समझा। समझ प्रॉब्लम ये है कि फोटोन का मास कैन नॉट जो जो रिलेटिविटी के फॉर्मूले बनते हैं ना उसके हिसाब से फोटोन का मास डिस्कस नहीं हो सकता है। फोटोन का जो मास आता है ना उसके हिसाब से वो आपके लिए मतलब वो जीरो ही आएगा। वो आएगा बोलो तो कांस्टेंट ही होगा, क्या हो गया सर? सी तो कांस्टेंट ही होगा ना, सी क्यों नहीं बता सकते? बेटा मेरे को आवाज नहीं आई सर। सी का क्या करें? नहीं सी कांस्टेंट है पर ये वाला मोमेंटम में जब उसने एमसी लिखा तो जब तू सी डिफाइन कर देगा तेरा एम भी डिफाइन हो जाएगा ना भाई, इस बात को समझ। जब उसने कहा कि तुम सी को सेपरेटली डिफाइन कर दोगे तो मास को भी सेपरेटली डिफाइन कर दोगे, यदि मास और सी को सेपरेटली डिफाइन कर दोगे तो आपका जो मास कंसेप्ट है वो हिल जाएगा, क्योंकि जब ये बात ये जब थ्योरीज दी गई है उस वक्त पे भाई आपको एक मिनट होल्ड करना प्लीज, जस्ट अ मिनट। हेलो भाई वापस समझो, मास ऑफ फोटोन डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसीलिए मोमेंटम ऑफ फोटोन डिस्कस किया गया। बात समझ में आई भाई? आप अभी भी है ना ये सोच के चल रहे हो कि कोई पार्टिकल होगा, ये बॉल है, आप फोटोन को बॉल लेके चल रहे हो, आप बिल्कुल फोटोन का मास रिलेटिव बिल्कुल रिलेटिव मास होता है, एग्रीड बिल्कुल होता है। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। क्या अभी स्क्रीन दिखी? यस सर। तो उसने क्या बोला कि भाई आप इस चीज को समझो भाई, आपके पास प्रॉब्लम जो उसने डिराइव किया क्या उसके डेरिवेशन में कोई इशू है? नहीं है। उसने केवल इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर पुट किया और सॉल्व किया, उसने इस चीज को मोमेंटम डिस्कस किया क्योंकि उसके हिसाब से एम इंटू सी मोमेंटम होता है, ये मास ऑफ जो भी कोई फोटोन होगा वो, और ये मास डिफाइन नहीं हो सकता, और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फोटोन है, ये उसने डिस्कस कर दिया बस, और इसके अलावा उसने कुछ और डिस्कस किया ही नहीं है। सर बोलो।
सर तो मोमेंटम ऑफ फोटोन सीधा वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन से निकाल दिया, लेकिन एम और वी नहीं डिफाइन हो सकता। बिल्कुल एम और वी डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल वही बात है कि भाई उसने जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसे मोमेंटम तो डिफाइन कर दिया, पर उसने बाकी और चीजें डिफाइन नहीं की। वो कह रहा है कि भाई मास डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, और बेसिकली होता ये यार कि जो मास डिस्कस किया जाता है ना फोटोन के लिए, वो होता है मास इक्वल्स टू एम बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू सी स्क्वायर तो ये वन हो जाएगा और मास फिर अनडिफाइनेबल रेंज में चला जाएगा। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से आप मास डिफाइन नहीं कर सकते हो, मास डिफाइन नहीं कर सकते हो बट आप एमसी प्रोडक्ट डिफाइन करना चाहते हो, और वो भी आपने निकाला नहीं है, आपने एनर्जी को एमसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आर वी क्लियर? भाई साहब ये चीज क्लियर है? हाँ सर। बोलो सर, वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला में जो फोटोन के मास के फॉर्मूला में दूसरा वाला एम है वो कांस्टेंट है क्या? कौन सा वाला एम है फोटोन के फॉर्मूले में? फोटोन के मास के फॉर्मूला में दूसरा वाला एम है जो राइट साइड में ऊपर है वो कांस्टेंट है? ये वाला एम सर? नहीं नहीं इधर नहीं, नीचे है सर सर, जिसके अंदर फोटोन की मास अनडिफाइंड होता है ना, रूट वन अपॉन वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, उसका पूछ रहे हो? उसका राइट वाला, हाँ ये वाला। ये वाला जो m है ये कांस्टेंट है, ये मास रिलेटिव है, इसको रेस्ट मास बोलते हैं, तो इसीलिए वो नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो भाई क्या प्रणव, आई हैव रेड दैट का क्या मतलब है मेरे को बता, क्या रीड किया तूने? लिखा है ना, क्या लिखा है अभी? कर वो माइक खराब है, बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, कोई ये चीज क्लियर है आपको अभी? उसने ये बोला डी ब्रोगली ने कि भाई लैम्डा इस वजह से एच बाय एम वी आता है और एच बाय पी आता है। अब है ना, हम लोग डी ब्रोगली को इतनी इज्जत देते भी नहीं, पर डी ब्रोगली ने एक बहुत ही जरूरी चीज को सॉल्व किया, और वो था बोर्स पोस्टुलेट ऑफ डी ब्रोगली प्रूव्ड। बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसलिए आपने इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी, और फिर बाद में ये डिस्कस भाई जब एक बार को एक चीज आ जाती है ना, तो फिर उससे बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलता है, आप उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं। पर प्राइमरी डिस्कवरी इसने ये की, इसने क्या बोला कि कोई भी वेव है, समझिएगा, स्टेशनरी वेव और एंगुलर मोमेंटम, तो उसने क्या बोला कि आपके पास ये ऑर्बिट है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी, देन इट मस्ट फॉर्म स्टेशनरी वेव। उसने क्या कहा, यदि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है और एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, तो ये एक स्टेशनरी वेव बनाना चाहिए। स्टेशनरी वेव कैसी होती है? कैसी वेव जो एक इनफाइनाइट वेव पैटर्न बन जाए, ऐसा कि ये अब ये वेव कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है आपको पता नहीं है, इस चीज को बोलते हैं स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव यदि बनेगी तो जो भी कोई पाथ होगा
वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ अरे किसकी, कितने लोगों की स्क्रीन फ्रीज है सर? मेरे अभी 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 आया। हाँ सर अभी जस्ट आया स्क्रीन, आ गई वापस। हाँ सर थैंक यू। तो उसने कहा कि जो पाथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है कि भाई पूरी वेव्स कंप्लीट हो गई। जैसे आपने कहा ये एक वेव, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात, तो ये सात वेव्स हो गई। यदि एक वेव कंप्लीट हो रही है तब तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। यदि वेव्स कंप्लीट हो रही हैं तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, और यदि वेव कंप्लीट नहीं हो रही है तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। यदि वेव ऐसे है, मान लो ये है, ये वेव यहाँ से चालू हुई, ये वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग फेज में है। यदि अलग अलग फेज में होंगे तो ये एक दूसरे से, मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ही होगा। तो इन्होंने ऐसा बोल दिया, और इसके बोलने की वजह से इन्होंने बोला कि जो पाथ है इलेक्ट्रॉन की वेव का वो है 2πr मस्ट बी इक्वल टू सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ सर फिर से हो गई। अभी आई, अभी आई सर, अभी आई। 2πr मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए, और 2πr मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा क्या है? 2πr मस्ट बी इक्वल टू n नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स जो जनरेट हुई इनटू लैम्डा, लैम्डा एच बाय एम वी। क्या हो रहा है आज? यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैम अभी तो मैं क्लास में हूँ, तो मैं उनको 12 बजे कॉल कर लूंगा, 12:15। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो ये है नंबर ऑफ वेव्स एच बाय एम वी। यदि इसको आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? एम वी आर मस्ट बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, जो बोर्स का पॉस्टुलेट था। और ये जो नंबर ऑफ वेव्स है ये एन, फिर ऑर्बिट भी बन जाएगा, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही वेव होगी, सेकंड के अंदर दो वेव होगी, थर्ड के अंदर तीन वेव होगी, फोर्थ के अंदर चार वेव होगी, और वैसा। आर वी क्लियर? सर बोलो। सर तो फिर जो एक वेव दो वेव वो कैसे दिखेंगे ऑर्बिट में? बेटा अपने को दिखेगा कुछ नहीं, ये केवल हाइपोथेटिकल वो है, पूरा मॉडल ही हाइपोथेटिकल होता है, अपने को दिखता विकता कुछ भी नहीं है। अपने को इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ये गलतफहमी है, अपने को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिखता। अरे बोर निकल गया, बोर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है भाई, अपने को दिखता नहीं है। ये केवल ऐसा है कि थ्योरी दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, जैसे कोरोना वायरस कहाँ से आया तो पता नहीं है कहाँ से आया, तो हर कोई है ना अपने हिसाब से थ्योरी दे रहा है, जिसकी थ्योरी सबसे अच्छी लगेगी उसको अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसा है। तो ये वैसा ही है कि भाई अपने को पता नहीं है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा थोड़ी ना है। बिल्कुल, सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच सीख रहे हैं कि साइंटिफिक अप्रोच देख रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो अपने पास जो जवाब आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं। तो वो वेव जनरेट कैसे हो गया फिर? मतलब
अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे तो इसलिए वेव्स बन रही है या फिर क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल वही जो डी ब्रॉगली का कांसेप्ट है कि यदि किसी चीज के अंदर मोमेंटम है तो उसके अंदर उसकी वेव जनरेट होगी होगी, वही वाला कांसेप्ट है। ठीक है सर। देखो इसमें इतना लोड लेने की बात नहीं है, मतलब उस बंदे ने सिर्फ इतना सा बोला है कि ना आप एक कोई भी मूविंग बॉडी हो, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, यदि हम लोग भी मूव करेंगे तो हमारी भी एक वेव होगी, और यदि हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट पर चले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर हम भी फोटोन की तरह बिहेव करेंगे, बस ये सिर्फ ऐसा है। बोलो क्या हुआ? अबे सरकमफेरेंस कितनी होती है पास सर? वैसा नहीं क्योंकि ये इसका पार्ट तो बहुत ही अनिवार्य सा लग रहा है। अरे यार पाथ तो यही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन तो इसी पाथ पर है, ये जो येलो वाला ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये सरकमफेरेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहा है तो उसकी वेव आ रही है ना सर? आर बोस रेडियस है क्या? हाँ आर बोस रेडियस है यार। आप एक सेकंड भाई साहब, मैं आपको एक बना बचपन की एक चीज सिखाता हूँ, ये सर्किल है, ये रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस का सरकमफेरेंस कितना होएगा, ये रेडियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इसको बोर्ड रेडियस बोल दो, रेडियस ऑफ सर्किल बोल दो, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माइन। आर वी क्लियर? थैंक यू निनाद फॉर हेल्पिंग मी आउट। सर तो वो बोर ने कैसे निकाला था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई? भाई बोर ने तुक्का मारा था, बोर ने तो पोस्टुलेट दिया था कि मैं ऐसा मानता हूं, समझ? बोर ने तो पोस्टुलेट देके छोड़ दिया और उसने अपना मॉडल दिया और निकल लिया, वो बोर को कोई मतलब नहीं है, बोर हैड हिज फन। बोर ने कुछ नहीं दिया था, बोर ने कुछ प्रूव नहीं किया, प्रूव करने का काम डी ब्रॉगली ने किया और उसको उसने इस कंसेप्ट से प्रूव किया बस। सर फिर ऐसा तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिया, तो फिर हम सिर्फ बोर को क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि बोर ने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया दैट वाज वेरी फाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसने कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसीलिए बोर को काम में लेते हैं। उसने एक जो आप समझो, आप यदि किसी भी एटॉमिक मॉडल के लिए कुछ स्टडी करोगे तो क्या स्टडी कर पाते हो? एट दैट एरा द ओनली थिंग जो साइंटिस्ट स्टडी कर सकता था वो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रूव कर दिया तो उसके हिसाब से भगवान चीज हो गई, खत्म बात। भाई आज आप लोग है, मतलब अभी यदि अपन आज के एरा के अंदर सोचे तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? आप साइंटिस्ट हो जो सर, मतलब कोई साइंटिफिक वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना? हाँ मतलब बिल्कुल, जैसे एक प्रॉब्लम है कि कोरोना है, या कोरोना है, अभी मान लो कोई एक मॉडल ये डिस्कस कर दे कि कोरोना क्यों आया और कोरोना आगे कितने दिनों के बाद आएगा और उसके किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी कोरोना के ऐसी बीमारी आने की, या ये बता दे कि कोरोना कितने दिनों में चला जाएगा, और वो केवल उसके लिए कोई भी पोस्टुलेट दे, कोई भी हाइपोथेसिस दे, पर जो भी कोई रिजल्ट आए वो रिजल्ट उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो क्या साइंटिफिक कम्युनिटी उस चीज को मानेगी या नहीं मानेगी, इतना बताओ? अगर रिजल्ट सही है तो मान लेगी सर। एग्जैक्टली तो उसने जो भी कोई हाइपोथेसिस दिया बोर ने, उसने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी ना, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर दिया और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आया, तो लोगों को मानने में क्या दिक्कत थी बताओ? भाई अल्टीमेटली सीन ये है ना कि भाई आप ये समझो कि बोर ने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, इसका सलूशन दे दिया, उससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? आज की तारीख में यदि कोई भी किसी एक पोस्टुलेट के लेके एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम डिस्कस कर दे, भाई आइंस्टाइन ने जो कुछ भी दिया वो सब हाइपोथेसिस था, आइंस्टाइन ने कोई चीज प्रूव थोड़ा ना की है, या स्टीफन हॉकिंस ने जो कुछ दिया वो एक हाइपोथेसिस तो है कि आई बिलीव इन दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। एग्जैक्टली
भाई यही चीज होती है, ट्रुथफुलनेस तो कुछ भी नहीं होती है, जो सच्चाई होता है, जो ट्रुथफुलनेस है ना, दैट इज रिलेटिव, कि आप क्या सोचते हो और कोई और क्या सोचता है, वो वैसा है। उसके अंदर ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। आइंस्टाइन थ्योरी देके मर गया, ये फिजिक्स में आएगा ना कि वेव कंप्लीट होगी तो वो एनर्जी लूज क्यों नहीं करेगा, ये फिजिक्स में आता है। देखिए साइंस किस तरह से, साइंस के चलने के लिए ना एक प्रॉब्लम होती है, आप क्या स्टडी कर रहे होते जरा वो समझो। आपके सामने कोई एक फिजिकल फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना को आप ऑब्जर्व करते हो और आप उसके लिए कुछ हाइपोथेसिस देते हो। फिर जो ये लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, आम लोग मतलब हम जैसे लोग, कि हमने देखा कि ये हो रहा है, हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से मैग्नस इफेक्ट हो रहा है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, बॉल स्विंग कर रही है, ये आम लोग बोलेंगे और उसके लिए वो दुनिया भर की नौटंकी करेंगे। अब जो खास लोग होंगे, खास लोग जैसे बोर जिन्होंने पोस्टुलेट दिया, या आइंस्टाइन जिन्होंने पूरा का इतना कुछ रिलेटिविटी में डिस्कस किया और उस टाइम पे डिस्कस किया जिस टाइम पे वो चीजें एग्जिस्ट करवाना बड़ा ही मुश्किल था। आइंस्टाइन ने रिलेटिव टाइम, जो रिलेटिविटी ऑफ टाइम दी ना, वो देके मर गया। पहली बार प्रूव कब हुई, 1970 में, 1970 मतलब 45 ईयर्स लेटर देन द थ्योरी, वो देके मर गया था, पर प्रूव हुई फॉर वो भाई। इसीलिए तो उनको इतना खास बोलते कि व्हाई वी से कि ही इज आइंस्टाइन, क्यों हम हर जो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसको, जीनियस को आइंस्टाइन से कंपेयर करते हैं, कि आइंस्टाइन ने जो बात बोली वो बात बोलना किसी भी आम इंसान के लिए उस वक्त प्रोबेबल नहीं था। वो तो ग्रेविटेशनल वेव देके मर गया कि ग्रेविटेशनल वेव होती है आइंस्टाइन तो। अरे भैया ग्रेविटेशनल वेव प्रूव हुई है 2013-14 के अंदर। तो आपके लिए ये सब चीजें ना, मतलब अपन ये सोचेंगे भाई आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव कर दी थी 1928-29 के अंदर, 1928-29 का 90 ईयर्स के बाद प्रूफ हो रहा है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई यदि किसी अजम्पशन से कोई एक चीज डिराइव हो रही है तो हो सकता है कि उस वक्त की साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं हो कि वो उस अजम्पशन को जस्टिफाई कर सके, पर कभी ना कभी फ्यूचर की साइंस उस चीज को जस्टिफाई कर देगी। इसीलिए पोस्टुलेट को मान लिया जाता है, और वो पोस्टुलेट इसीलिए सही मान लिया जाता है क्योंकि उससे आंसर सही आया। क्या है बात संजय? सर वैसे ही ना, जैसे अभी रिसेंटली स्टारलाइट बेंडिंग इफेक्ट प्रूव हुआ था। अरे बहुत कुछ प्रूव होता है यार, बहुत कुछ होता है जो चीज, देख साइंस ऐसे ही चलती है। आप भी मतलब मैं आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई ना कोई एक या दो, हर साल होता है, आप में से भी दो या तीन लोग टॉप साइंटिस्ट बनेंगे, भाई इंजीनियर्स बनेंगे जिनका साइंस की तरफ इंटरेस्ट रह जाएगा, वो इवेंचुअली साइंटिस्ट वाले जोन में घुस जाएंगे। जिनको बिजनेस एंड मार्केटिंग में जाना होगा वो एमबीए की तरफ निकल जाएंगे। तो साइंस हमेशा वैसे ही होती है कि ना, यू थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय टेकिंग योर अजम्पशंस। आप किसी भी चीज को वैसे ही करते हो। आर वी क्लियर? यस आई एम, थैंक यू। अब मैं और इसके ऊपर टाइम नहीं लगा सकता ना। तो ये उसने बोला, ये पूरा पोस्टुलेट उसने प्रूव किया और इस पोस्टुलेट से अपने को बहुत कुछ मिल गया। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है, बिल्कुल करेंगे डार्क मैटर डिस्कस, पर तो क्लास में आएगा ना उसके बाद, डार्क मैटर भी डिस्कस करेंगे फिर अपन लोग। सर कल आप कब फ्री हो? कल आप कब फ्री हो का क्या मतलब है? मतलब कल केमिस्ट्री का डाउट डिस्कशन, डाउट्स पूछ रहे। हाँ डाउट्स का टाइम बता दूंगा भाई, मैं 2-4 अवेलेबल होऊंगा इंस्टीट्यूट में। मतलब कोशिश करना दो, यदि आ रहे हो तो इन्फॉर्म कर दो, वरना 2-4 के 2-3 के यदि 3 बजे तक भी कोई नहीं आता मैं भाग जाऊंगा, वैसा है। पर आ रहे हो तो नहीं सर, हम 3 बजे आएंगे। 3 बजे ही आएगा तो फिर मैं 3 बजे मिलूंगा, 5 बजे क्यों मिलूंगा, 2 बजे क्यों आऊंगा? कह रहे हो बाद में डिस्कस करेंगे ना यार, मैं पहले पढ़ा लूं प्लीज। बहुत हो गया पोस्टुलेट पोस्टुलेट आगे, ठीक है। तो ये बोल के ये सब कुछ निकल गया। अगला आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी।
प्रिंसिपल, इसने बोला पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन और वेरी स्मॉल स्पीशीज सर लैग नहीं बिल्कुल सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली ये उसने बोल दिया और एरर इन पोजिशन डी एक्स एरर इन मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई उन्होंने बोल दिया ठीक है इन्होंने क्या भाई समझिए आप लोगों को एक मतलब ये जरा समझाने की कोशिश करता हूँ एक बहुत ही घटिया से तरीके से जो तरीका सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया गया बट यस इट गिव्स अ फेयरली गुड आइडिया कि व्हाट अनसर्टेनिटी इज शैल शैल वो कार का है नहीं नहीं कार बार नहीं मैं तो सिंपल एक मासूम सी बॉल का दिखाने वाला हूँ समझो भाई ये मान लो ये बॉल है ये बॉल इधर मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ पर ये आप बैठे हो ये आप बैठे हो और आप इस बॉल को विजुलाइज कर पा रहे हो तो आप इस बॉल को कैसे देख पा रहे होंगे अरे यार स्क्रीन नहीं अटकी स्क्रीन वही है तेरा नेट अटक गया है सर परफेक्ट एकदम अच्छे से चल रही है सर हाँ यार दो लोग भी बोल देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना कि क्या बढ़िया नेट चल रहा है आगे समझो आज तो एक सेकंड भी लैग नहीं आया बीच में एक बार फ्रीज हुआ था बस कोई बात नहीं थैंक यू मैं आगे बताना चाह रहा हूँ पहले समझो यहाँ से ये फोटोन निकला ये फोटोन निकल के इस बॉल पे स्ट्राइक किया और ये फोटोन आपने ऑब्जर्व किया और आप 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर बैठे हो मान लो तो आपने जब इस फोटोन को एक्सपीरियंस किया तो क्या ये वहीं पर है जहां पर आपने देखा या फिर कहीं और है क्या आपने फोटोन है फिर बॉल नहीं नहीं सॉरी बॉल बॉल मैंने फोटोन बोल दिया ये जो बॉल है ये बॉल वहीं पर है जहां आपने देखी या फिर ये कहीं और है कुछ माइक्रोमीटर से कहीं और है कहीं और है क्योंकि सही बात है भाई इसका जो वेलोसिटी है ये फोटोन जब यहाँ से यहाँ टकरा के आया तो 10^8 सेकंड लगे तो 10^8 सेकंड में आगे बढ़ गया तो ये बेसिकली 5×10^-8 meter आगे है 500 angstroms का एरर आपने एक्सपीरियंस किया पर क्योंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है इसीलिए आप आराम से बोल सकते हो ये कहां पर है तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर कमेंट कर सकते हो बात समझ में आ गई आया ना पर एक्सपीरियंस वाइज तो देयर इज एरर तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है बट नो कैट नो पैट आगे समझो श्रोडिंगर को मैं नहीं जानता हूँ मैं हाइजेनबर्ग को जानता हूँ जिस दिन मैं श्रोडिंगर को जानूंगा हु इज दिस इडियट ओके सर वो बहुत फेमस जोक है ना वो हाइजेनबर्ग वाला नहीं यार वो इतने फेमस जोक्स में पढ़ता नहीं हो ना इतने अच्छे जोक्स पढ़ने की आदत नहीं है इससे मेरा जो आईक्यू है वो गिर जाता है एवरीडे एवरी नाउ एंड देन प्लीज आगे समझिए अब मान लो आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन ने स्ट्राइक किया ये फोटोन को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ठीक है अब क्या हुआ ये कि ये जब फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी चेंज हो गया तो पहले तो एक आपने क्या मतलब मोमेंटम चेंज हो गया मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो आपने एक तो इसकी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन देखी और फिर मोमेंटम कितना चेंज हुआ आपको ये भी नहीं मालूम है समझे तो इसीलिए उसने कहा कि ये दोनों ही चीजें अपन लोग एक्सपेरिमेंटली डिस्कस नहीं कर सकते
और उन दोनों में एरर कम से कम एच अपॉन फोर पाई से ज्यादा आनी चाहिए। बस आप इसी चीज को उन्होंने कहा कि एक और रिलेशन बन सकता है, ये हो सकता है कि भाई हम लोग मास को यदि कांस्टेंट मान ले तो हम लोग लिख सकते हैं कि dp इक्वल्स टू mdv, तो mdv डॉट dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई एंड dv डॉट dx इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m, ऐसा बोल सकते हैं। आर वी क्लियर? सर मुझे एक डाउट है। बोल रहे हैं सर, अभी जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट वी कैन मेजर करेक्टली, राइट? फिर से बोल। जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उससे छोटा हम कुछ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो h बाय 4 पाई वुड बी स्मॉलर देन द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? तो अगर उससे अगर उसका मल्टीपल है तो फिर उसको मेजर कैसे करेगा? सपोज अगर h बाय 4 पाई का एरर है तो हाउ डू वी नो दैट? सर वही बात हो गई ना, साइंटिफिक अप्रोच वाली। नहीं एक सेकंड, मैं इसका डाउट नहीं समझा एक्चुअली ना, मैं इसीलिए भी सोच रहा हूँ कि वो क्या बोल रहा है और वो क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोल रहा है कि h इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ समथिंग वी कैन एक्सपीरियंस, ठीक है डन। तो ये जो प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट हमारे जो लाइक मिनिमम है उससे भी कम हो रहा है ना, h by 4 pi h से छोटा होगा ना। हाँ तो फिर उसको एक्सपीरियंस लाइक मेजर कैसे करेगा? अच्छा एक बात बता, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट कितना होगा? एक मिनट सर। h by 2 pi। हाँ ये डाउट तेरे को यहाँ नहीं आया था? नहीं सर एक्चुअली तब मैं एक्चुअली तब क्लास के अंदर नहीं था, मैं बाहर गया, मेरा एक्चुअली तब छूट गया था लेक्चर। ओके ओके ठीक है समझ। देख बात ये नहीं होती है कि अपने को एक्सपीरियंस करना है, बात ये होती है कि भाई एक एरर आ रही है, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो लिमिट कर देता है कि हमारी साइंस कहाँ पर है। भविष्य में हो सकता है अपन एक्सपीरियंस करने लगे, कैलकुलेट करने लगे, इसको डिटरमाइन करने लग जाए, वैसा है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा एक बार भाई आप इंफ्रारेड रेज देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, शुरुआत में डिवाइस भी नहीं था, पर बाद में साइंस ने आगे साइंस आगे बढ़ी, फिर आईवी कैमरास बन गए, आईआर कैमरास बन गए। वो तो ऐसा होता है कि भाई साइंस इवॉल्व करती रहती है, आप थ्योरी देते रहते हो और जो आप थ्योरी देते हो उसी के लिए साइंस इवॉल्व करती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज मेजर ही करनी होती है, आप किसी चीज को यदि थियोरेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हो तो वो भी बहुत होता है। वही चीज की जो अपन लोग अभी बोर के लिए और डी ब्रॉगली के लिए बात कर रहे थे, वही ठीक है सर। हाँ भाई हाँ अभी आगे समझिए, ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक नमेश? हाँ सर क्लियर हो गया सर। हाँ सर आगे समझिए, इसी में जैसे एक रिलेशन ये आया ना dp डॉट dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वैसे एक और बेसिक रिलेशन आता है dE dot dt is greater than equals to h upon 4 pi। ये दोनों बेसिक रिलेशन होता है, एक ये और एक ये। सर फिर से स्क्रीन ऑफ प्लीज हो गई।
नहीं सर कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही है सर। वाईफाई पे चले जाओ। वाईफाई पर ही बैठा हूँ यार। मेरे को लगता है मेरा ये जो है ना, ये अपडेट करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ उड़ गया है। अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चल रहा है। मुझे तो ब्लैक दिख रहा है। क्या सर इजी टेक नहीं दिख रहा? चीज हो गई है। हाँ सर, होम स्क्रीन पे आ गया। अभी आई वापस फिर? नहीं नहीं वापस। हाँ आ गई आ गई आ गई। आगे ध्यान दे। तो ये दोनों, हाँ यार बिल्कुल, ये मानस ने और नमिश ने बिल्कुल ऐसा कर दिया मेरे साथ। यार ये समझिए, एक ये बेसिक रिलेशन है और एक ये बेसिक रिलेशन है, दोनों बेसिक रिलेशन है। ऑल दो हम लोग इन दोनों को आपस में प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं किया है। ऐसा क्या हुआ? देख ये बेसिक रिलेशन है और ये बेसिक रिलेशन है। बेसिकली dp.dx is greater than equals to h upon 4 pi, ये दोनों बेसिक रिलेशन होते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के। ऑल्दो आप इन दोनों को प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को प्रूव नहीं कर सकते हो। हेलो सर, वो जो पार्टिकल का क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं प्लीज सर। मतलब वो जिस भी dt टाइम के लिए आएगा या जिस भी dt टाइम के लिए वो दिखेगा, वही होगा ना वो dt? नहीं, dt होगा एरर इन टाइम सर। पर टाइम किस चीज का? ऑब्जर्वेशन में। वो कितनी देर के लिए दिखा? कितनी देर के लिए अपने को मालूम नहीं है कि वो कहाँ है सर। नहीं समझ में आ रहा, मतलब एनर्जी से टाइम का रिलेशन कैसे आ रहा है? भाई तूने जिस इंस्टेंट के ऊपर एनर्जी मेजर की, वो इंस्टेंट में कितना टाइम लगा? सर मतलब उस वेव को उस पॉइंट से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, उसमें जितना एरर होगा वो क्या? अरे यार तुम समझ नहीं रहे भाई, समझ। वेव नहीं, तू एक कह रहा है कि ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहा है। तो जितनी देर में तूने काइनेटिक एनर्जी मेजर की, वो टाइम डीटी है, समझा? सर इन दोनों रिलेशंस को हम अभी प्रूव कर सकते हैं क्या? प्रूव कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए, मतलब आपस में रिलेट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को रिलेट। हाँ सार्थक बिल्कुल सही बात है, ये आप दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे करने में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, मतलब इसको करना आसान होता है यार। ठीक है डन। अब हमारे पास तीन रिलेशन आ गए, एक और चीज समझिए। हमने बोला मोमेंटम, नहीं मोमेंटम नहीं, हमने बोला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, ऐसा भी लिख सकते हैं, एच बाय पी लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग पी इक्वल्स टू, मतलब पी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा लिख सकते हैं? तो डी पी इक्वल्स टू माइनस एच बाय लैम्डा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डी पी बाय डी लैम्डा। बिल्कुल सही, dp by d lambda लिख सकते हैं। तो dp को हम लोग लिख सकते हैं माइनस h lambda square dot d lambda, और हम यदि इसको सब्सटीट्यूट कर दें उस रिलेशन में, dx dot d lambda is greater than equals to, dp dot d lambda is greater than equals to h upon 4 pi dp dot dx। यदि इसमें अपन लोग dp की टर्म को रिप्लेस कर दें तो उसको लिख देंगे माइनस h by lambda square dot d lambda dot,
dx is greater than equals to h upon 4 pi, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा d lambda dot dx is greater than equals to lambda square upon 4 pi. क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर. देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप सिंपल एक टर्म को दूसरी टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैं आपसे कुछ भी और उम्मीदें नहीं रख रहा हूँ. ये एक चीज, एक रिलेशन आपको आना चाहिए. अब यदि मैं ये माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यदि मॉड्स के अंदर बात करूँ और लिमिटिंग केस की बात करूँ, यदि मैं लिमिटिंग केस की बात करूँ तो डी लैम्डा डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन फोर पाई, और ये दोनों केस भी लिमिटिंग में ही डिस्कस किए जाएंगे कि डी ई डॉट डी टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई या फिर डी पी डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई, क्योंकि आप ये लिमिटिंग केस ही डिस्कस कर सकते हो, इससे ज्यादा आप डिस्कस कर नहीं पाओगे. Are we clear? Are we clear? सर एक बार ये लास्ट वाला रिलेशन फिर से बताइए ना. भाई हमने लिखा कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो मैं क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ की टर्म में डीपी लिख सकता हूँ? डीपी इक्वल टू डीपी बाई डी लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा स्क्वायर, तो डीपी इक्वल्स टू माइनस एच बाई लैम्डा स्क्वायर डॉट डी लैम्डा ऐसा लिख सकता हूँ? सर वो नहीं, वो लिमिटिंग केस वाला. भाई देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन तो भाई इनफिनिटी जाएगी हर वैल्यू. समझ गया सर. तो तू केवल एक ही केस डिस्कस कर सकता है, वो इक्वल वाला. तो अपन ने दोनों हर केस में केवल इक्वल वाला ही डिस्कस किया है और वही अपन डिस्कस कर सकते हैं. हां सर समझ गया. सर एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास नहीं आता है ना? यार हम लोग मास को कांस्टेंट लेके चलते हैं तब, वरना एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास तो फिर और भी डाइसी हो जाएगा. हां सर. क्वेश्चन है फाइंड आउट एरर इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एरर इन फाइंडिंग पोजिशन इज 500 एंगस्ट्रॉम. करिए कुछ आ गया क्या भाई? आप करेंगे dp dot dx is equals to h upon 4 pi, तो ये हो जाएगा dp into 5 into 10 raised to power minus 8 equals to 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by 4 pi, ये 26, तो dp equals to 6.626 divided by 2 pi into 10 raised to power minus 25. सर बहुत कम है सर, negligible error. तो क्या हो गया? Error तो है. सर greater than equal to होगा ना? हाँ greater than equal to पर limiting case है. Okay. किसको ये error बहुत कम लग रही है? मानस सर माइक्रो स्केल पर देखे तो 0.001 into 10 raised to minus 24 आता है. वैसे एक बात, तेरे सवाल पूछ रहा हूँ.
तेरे को लगा ये एरर इन फाइंडिंग पोजीशन, ये कितना बड़ा एरर है 500 एंगस्ट्रॉम का? हाँ सर, लेकिन इससे तो कम ही है ना, तो ज्यादा ही है ना? नहीं मतलब ये बता ना, पहले बता ये एरर कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में? सर काफी बड़ा है। कितना बड़ा है? कितना मतलब सर, 10^9। मैं बताता हूँ कितना बड़ा एरर है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि औरंगाबाद कहाँ है, ये औरंगाबाद मतलब कहाँ पर है, और तू बता रहा है कि जो बाजू वाली गैलेक्सी है ना उसके अंदर है। कितना बड़ा एरर है ये 500 एंगस्ट्रॉम? सर अगर वो डीपी से मास डिवाइड करे तो डीवी बहुत बड़ा आता है। डीवी तो बड़ा आएगा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि जो एरर इन मोमेंटम इसको कम लग रहा है ना, वो इसलिए लग रहा है कि एरर इन पोजीशन अपन ने 500 एंगस्ट्रॉम लिखा है। 500 एंगस्ट्रॉम कितना बड़ा है एक इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में? वो नियरली इनफाइनाइट टाइप्स है, इलेक्ट्रॉन की तो डायमेंशन ही नहीं है। आप उसकी पोजीशन के हिसाब से सोचोगे तो ये बहुत ही बड़ा एरर है, ये ऐसा छोटा मोटा एरर नहीं है ये। और यदि सही बात, यदि वेलोसिटी के एरर की बात करोगे तो ये वेलोसिटी का एरर बहुत ही बड़ा है। मतलब समझ, वेलोसिटी का एरर कितना बड़ा है, यदि तो मास कांस्टेंट रख लेगा ना, तो मास कांस्टेंट रख लेगा तो 10^6 के अंदर आएगा वेलोसिटी। 10^6 के अंदर वेलोसिटी का एरर है, कितना बड़ा एरर है? हेलो, इतना बड़ा एरर है। मतलब ये चीज ऐसी है कि भाई आप एक क्वेश्चन बनाना एक अलग बात है, पर ये एक बिल्कुल अब्रप्ट सी चीजें हो गई हैं। सर लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की कोई डायमेंशन ही नहीं है तो उसका पता कैसे लगाते हैं? इसीलिए तो हाइपोथेसिस देते हैं। तो मतलब कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा ना, वो ऐसे थोड़ी बोल देते होंगे कि चलो यहाँ मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन। सर आपने गलत लिखा है, वो 10^-27 एरर। 27 आएगी क्या? ये ले 27 ले ले। अभी ठीक है सर? अभी ठीक है। और अभी भी ऐसे बहुत बड़ी है क्या जो इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्स पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं है। आगे फाइंड आउट एरर इन फाइंड आउट सर h/4π की वैल्यू याद करनी है क्या? याद कर ले, बाकी मुझे ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है उन चीजों में। फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन एंगस्ट्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी 2×10^6 मीटर पर सेकेंड। एंड हैज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी 6.62/π×10^-21 जूल। सॉल्व करिए। इसमें एरर और मेजरमेंट का क्या आया?
सर एरर के कांसेप्ट लगेंगे क्या इसमें? बिल्कुल नहीं हुआ dx इनफाइनाइट. इधर समझो भाई आप नहीं गलत है सुमेध 500 अरे डेफिनेट के अंदर भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर होगा वो एरर ही तो निकालना है. आपने मेजर किया एक अलग बात है, एरर आप मेजर थोड़ी ना करते हो, एरर तो एरर होती है. आपने जो मेजर किया वो लिख दिया, एरर तो आपको निकालनी है भाई. आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बाय डीवी. यदि आप लिखोगे तो ये आ जाएगा एम वी, तो डी काइनेटिक एनर्जी बाय डीवी. तो ये हो जाएगा डी के ई बाय एम वी इक्वल्स टू सर स्क्रीन अभी आ गया. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा एम डॉट डी वी डॉट टी एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई, तो एम इंटू डी वी टी के ई बाय एम वी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई. एम से एम कैंसिल, तो डी एक्स इक्वल्स टू एच. तो ये आ जाएगा डी के ई. डी के ई कितना हो गया? ये हो गया 6.62 बाय पाई इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 21 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 21 divide by velocity 2 into 10 raised to power 6 equals to 6.626 by 2 upon 4 pi to so, dx ki value ho jayegi 500 angstrom seedha. Are we clear sir? Bolo bhai. सर एक बार वो लेफ्ट हैंड का जो लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करो ना, मुझे नहीं समझो लास्ट टू स्टेप्स. कौन से वाले? ये वाले नहीं समझे? लेफ्ट हैंड का, हाँ वो वाला. क्या करा उसको भाई? ये तेरे को समझा कि तूने इसको डी के ई बाय डी वी इज एम वी लिख सकता है तू? हाँ सर वो समझ गया. अब तूने डी के ई, ये डी वी क्या है? ये एरर इन वेलोसिटी है. हाँ यदि एरर इन वेलोसिटी को तू यहाँ लिख देगा तो ये एम इंटू डी वी. Error in velocity is dke by mv, m से m cancel, v नीचे आ गया dot dx. अच्छा ठीक है सर. अब यदि मान लो आपको एनर्जी वाले रिलेशन में चेंज करना हो तो ये क्या हो जाएगा? समझो dke dot dx by velocity is equals to h upon 4 pi, ऐसा लिख रहे हो तो ये वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी dx by dt, तो dke dot dt equals to h upon 4 pi. ये दोनों रिलेशन ऐसे आपस में प्रूव हो जाते हैं, वो कोई ऐसा कर सकते हो पर करना नहीं चाहिए. आर वी क्लियर? 500 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट हो जाएगा तो कर लेना. सर नहीं ना, सर 500 नहीं आता आंसर. 500 ही आ रहा है सर. अरे कर लेना यार, टेंशन मत ले. यदि नहीं आएगा तो फिर बता देना, आएगा. -7 हो जाएगा तो 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 -7 हो जाएगा तो
क्लियर है?
चलिए साहब बाकी का कल पढ़ेंगे। हैप्पी मतलब जो भी कुछ सर ये हो गया क्या क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कल एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म कर देंगे इसको और फिर कल चालू करेंगे श्रोडिंगर वेव मॉडल। सर वो पार्टिकल और वेव ड्यूअल नेचर वाला किसने बताया था? डी ब्रोगली डी ब्रोगली आइजनबर्ग दोनों पर डी ब्रोगली को ज्यादा क्रेडिट है। सर सर एनआवर्सी शुरू कर सकते हैं क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए? बिल्कुल कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर डिस्कशन डिस्कशंस यार रखेंगे टेंशन नहीं ले। एटॉमिक दो दिन और चलेगा मैक्स दो दिन से पहले भी खत्म हो सकता है। सर वो श्रोडिंगर कैट के बारे में आप पढ़ाते हो? नहीं श्रोडिंगर ना कैट बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ मैं श्रोडिंगर एक केवल इक्वेशन के बारे में पढ़ाता हूँ और उतना ही मेरे लिए काफी है। सर वो कैट तो इमेजिनरी थी। अबे वो इमेजिनरी थी या कुछ भी थी उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है रियल में थोड़ा ना करेगा ऐसा। वो सर वो साय का कांसेप्ट में आएगा क्या? सर सर एक बार बता दो ना सर आइसोडाइमर्स क्या होते हैं? वक्त आएगा बता दूंगा चिंता मत कर। पहले बताओ आज की डेट क्या है? राइट लिखा आपने 6 सर। हाँ मैंने मेरे फोन में चेक कर लिया डेट क्या है। सर सर वक्त इसी चैप्टर में आएगा क्या? यार वक्त उस दिन आएगा इस दिन पढ़ लूंगा कि वो क्या होता है। सर